अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे बेसिकली इमेजेस एंड बॉर्डर्स को, कि हम अपनी फाइल में इमेजेस या बॉर्डर्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, या अपनी बॉडी के बैकग्राउंड पे या किसी भी डिव के या किसी भी एलिमेंट के कंटेनर एलिमेंट के बैकग्राउंड पे हम किस तरह इमेजेस वगैरह अप्लाई कर ऐड कर सकते हैं। पहले हमने कलर्स अप्लाई किए थे, अब हम इमेजेस वगैरह ऐड करना सीखेंगे। तो ये हमारे सामने कोड है बेसिकली, जिसमें हमारे पास बेसिक कोड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास हेड का सेक्शन है, फिर इसके अंदर हेड का सेक्शन है, हेड के अंदर फिर हमारे पास टाइटल है, टाइटल के पास हमने एक स्टाइल शीट के लिए इंटरनल या एम्बेडेड स्टाइल शीट का कोड हम यहाँ लिखेंगे, उसके लिए हमने सेक्शन बना के रखा हुआ है, देन हमारे पास बॉडी है। सही। सो पहला टास्क हमारा ये है कि हम इसको क्या नाम है, आपको बॉडी के पे बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड करके दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम जस्ट रिव्यू के लिए हम इसमें पहले कलर ऐड करते हैं, बैकग्राउंड कलर के। लेट्स से हमें अगर अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है कलर, तो हम किस तरह करेंगे। तो हमें याद होगा कि हमने बॉडी का सिलेक्टर बनाना है, बेसिकली बॉडी का जो टैग है हमारा उसका हमने सिलेक्टर बनाना है। एंड यहाँ पे हम कलर पहले दे देते हैं इसको बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर की हमने प्रॉपर्टी कॉल की, जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं लेट्स से रेड। सही है। रेड कलर की हमने प्रॉपर्टी सेव किया इसको हमने। अब हम इसको यहाँ पे फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हमारे पास जो पेज का नेम है इमेजेस है, तो इमेजेस के नाम से ये फाइल सेव है, हमने इसको क्रोम पे ओपन करवा देना है। सो ये हमारी इमेजेस ओपन हो गई है। ओके, मैं ये एक्स्ट्रा इमेजेस फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये इसका प्रीव्यू बेसिकली रेड कलर हो गया। सही है। आप चाहें तो इसको और कोई कलर देना चाहें तो आप येलो दे सकते हैं। लेट्स से येलो करके देखते हैं। सही है। ये हमने पहले की क्लासेस में भी किया हुआ है कि हम अपने बॉडी को बैकग्राउंड कलर वगैरह किस तरह देते हैं। सही है। हम इसको यहाँ येलो करते हैं तो येलो कलर आ गया। आज की क्लास का जो बेसिक टास्क है कि हम इसके अंदर इमेजेस किस तरह ऐड कर सकते हैं। सही है। लेट्स से इमेजेस ऐड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए और ये बात आपको कन्फर्म होनी चाहिए कि आपकी इमेज जहाँ पर आपकी फ़ाइल मौजूद है, जहाँ पर आप जिस सर्वर पर आप अपनी फाइल अपलोड करेंगे, वहाँ पर आपकी इमेजेस भी मौजूद होनी चाहिए। दो तरीके से हम इमेजेस अपलोड कर अपने सर्वर अपने वेब पेज पर अटैच कर सकते हैं। एक, हम या तो हमारे सर्वर में वो इमेज मौजूद हो या हमारे पास उस इमेज का एड्रेस हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी और सर्वर पर इमेज पड़ी हुई है, मौजूद है, या किसी और वेबसाइट पर वो इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं, तो वहाँ का लिंक हमारे पास मौजूद होना चाहिए, वरना हमारे पास एक्चुअल फाइल मौजूद होनी चाहिए। सही है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक URL में अपनी इमेजेस देंगे। बेसिकली बैकग्राउंड पर हम अपनी इमेज शो करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट से मेरे पास यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है सर्वर पे, मैं ये वाले इमेज शो करवाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास इमेज, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। लेट्स से इसको नेम कर देता हूँ SFS। सही है। एंड SFS की इमेज जो है मैं अपने बैकग्राउंड पे, अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे, यहाँ पे बैकग्राउंड पे मैं SFS के लोगो की इमेज शो करवाना चाह रहा हूँ। सो इसके लिए मैं कुछ सिंपल ये करना है, जिस तरह मैंने कलर की प्रॉपर्टी यूज़ की, इसको पहले मैं कॉमेंट कर दूँ ताकि हम अपनी ब्लैंक स्क्रीन यानी कि विदाउट बैकग्राउंड हम अपनी स्क्रीन देख सकें। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि बैकग्राउंड पे इमेज ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास होता है बैकग्राउंड इमेज। सही है। बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी हमने कॉल की, इसके अंदर हम जो वैल्यूज देंगे वो हम करेंगे यहाँ पे URL देना है। बेसिकली हमें इमेज का एड्रेस देना है। सो यहाँ पे हमें इमेज का एड्रेस देने के लिए हमने सिंपल लिखना पड़ेगा बॉडी बैकग्राउंड स्पेस, आप दे सकते हैं, URL का एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इस URL के फंक्शन में आपने बेसिकली क्या करना है, अपनी इमेज का नेम लेना है। मिसाल के तौर पे हमारे जिधर हमारा ये वेब पेज पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर इमेज है इसी फोल्डर के अंदर, तो हम सिंपली नेम दे देंगे और इसका एक्सटेंशन दे देंगे। एक्सटेंशन क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ, राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं। हो सकता है ये PNG है, जैसे ये PNG इमेज है हमारे पास, हो सकता है ये JPEG हो सकता है ये GIF हो, अलग अलग इमेजेस हमारे पास हो सकती हैं। सही है। PNG मतलब ये ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती है। ठीक है। सो ये हमारे पास PNG इमेज है, तो हमने यहाँ पे अपने URL में सिंपल हमने जाके ये लिखना है sfs.png। सही है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा भी डाल दूँ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने ये नेम उसका सिर्फ पास करना है। ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे SFS के लोगो आ चुके हैं। सही है। मतलब क्योंकि हमारी इमेज का साइज छोटा था, हमारे वेब पेज का साइज बड़ा था, तो उसने क्या किया, ऑटो रिपीट कर दिया। मतलब एक ही इमेज को बार बार उसने रिपीट कर दिया। हम इसको नो रिपीट भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसको चाहें तो रिपीट ना करना चाहें तो हम इसको उस तरह की भी सेटिंग कर सकते हैं अपनी CSS के थ्रू। सही है। सो इसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड
रिपीट की प्रॉपर्टी, सही है। बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी में हम जाके इसको कह सकते हैं कि जी आप इसको नो रिपीट, रिपीट नहीं करो, तो मैं कहता हूँ नो डैश रिपीट, सही है। और अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या होगा, मेरी इमेज को इसने रिपीट नहीं किया, सिर्फ सिंगल एक्चुअल इमेज हमें दिखा दी। लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ नहीं ऐसा करो आप इसको एक्स एक्सिस पे तो रिपीट करो, मतलब यूँ हॉरिजेंटली रिपीट करो मगर वर्टिकली ना करो, सही है। यानी कि यहाँ नीचे की तरफ रिपीट ना हो, सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट हो, तो हम ये भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कहेंगे रिपीट पे रिपीट एक्स कर देंगे, इसको नो को हटा के मैं यहाँ पे कहता हूँ रिपीट डैश एक्स, सही है कि इसको सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट करो, ठीक है। अब मैं इस पर जाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे रिपीट हो गया। मैं कहता हूँ नहीं एक्स एक्सिस पे ना करो, इसको वाई एक्सिस पे करो खाली रिपीट, तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ एक्स एक्सिस पे ना करो, इसको वाई एक्सिस पे करो, सही है। सो मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो ये वाई एक्सिस पे रिपीट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी की तरह रिपीट की तरह हमारे पास और भी प्रॉपर्टी होती हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको रिपीट को मैं नो रिपीट करता हूँ, नो रिपीट, ताकि हमारे पास सिंगल इमेज रहे। और इसको सेव करके प्रीव्यू देखते हैं इसका, हम नो रिपीट आया, अच्छा सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं या हम इमेज को अपनी चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि हम ये उसी फोल्डर से, मतलब जिस फोल्डर में हमारा वेब पेज पड़ा है, हम उसी फोल्डर से इमेज उठानी है। अगर हमें उसी फोल्डर से इमेज को फैच करना है तो सिंपल हम उसका नेम लिख देते हैं, सही है, और एक्सटेंशन के साथ, तो हमारी इमेज आ जाती है। लेट्स से मुझे अपने, नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने वेब सर्वर में इमेजेस के लिए अलग से फोल्डर बनाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने एक इमेजेस का फोल्डर बनाया, सही है। अब इसके अंदर आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं। लेट्स से मैं ये ओशन वाली इमेज अपने बैकग्राउंड पर दिखाना चाह रहा हूँ, सही है। तो इस ओशन वाली इमेज को मैं किस तरह दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका पहले तो रीनेम कर देता हूँ ताकि छोटा सा कोई नेम हो, मैं इसको खाली ओशन लिख देता हूँ। ओशन के नाम की मेरी ये इमेज फाइल है, सही है। इसका एक्सटेंशन हम चेक कर लेते हैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके, क्या है, कौन सी फाइल है, इसकी टाइप क्या है। ये जेपैक फाइल है, जेपीजी फाइल है, सही है। सो अब हमने अपने बैकग्राउंड पे ओशन डॉट जेपैक लिखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये याद रखें कि SFS ऑनलाइन के फोल्डर में हमारा ये वेब पेज पड़ा हुआ है, उसके अंदर, मतलब इस वेब पेज के बाद एक और फोल्डर है हमारे पास इमेजेस का, और उसके अंदर हमारे पास ये वाली इमेज पड़ी हुई है। इसका जो पाथ बन रहा है वो क्या बन रहा है, इमेजेस स्लैश ओशन, सही है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इमेजेस, सही है, ताकि हमारा पहले जो सर्वर, वो ब्राउज़र है या सर्वर से जो इमेज लोड होगी वो पहले इमेजेस के फोल्डर में जाए, इसको ओपन करे, फिर हमारी वो ओशन के, ओशन नेम की फाइल को फाइंड करे, सही है, ओके। और हम इसका एक्सटेंशन दे देते हैं जेपीजी, सही है। अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पर जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। सो हमारे पास ये आ गई एक ओशन की इमेज, हमारे वेब पेज पे बैकग्राउंड पे बेसिकली क्या आ गई, ओशन की इमेज। मैं इसको यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी कट हुई है इमेज, क्योंकि इमेज का साइज़ छोटा है, सही है, और मेरी ब्राउज़र की विंडो थोड़ी बड़ी है। सो मैं इसको चाहूँ तो सेंटर वगैरह भी कर सकता हूँ, मैं इसकी पोजीशन वगैरह पे मैं बात करता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने नो रिपीट इसलिए किया हुआ है कि ये रिपीट ना, अगर मैं इसको नो रिपीट को कमेंट करवाता हूँ तो ये रिपीट हो जाएगी। देखें, ये वाइट वाले एरिया में दोबारा से इमेज रिपीट हो जाएगी, सही है। तो हम इसको नो रिपीट करते हैं, सही है, ताकि ये रिपीट ना हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पोजीशन का, अभी देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज आ रही है हमारी, हम चाह रहे हैं नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे ना हो इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन हम कर देते हैं सेंटर में, सही है। चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इमेज हमें हमारी सेंटर में आए, सही है। तो हम इसको सेंटर कर देते हैं। सो अब हमारी इमेज सेंटर में आएगी, सही है। सेंटर सेंटर कर देते हैं, दो बार सेंटर कर देते हैं एक्स वाई एक्सिस पे, सेंटर सेंटर, ओके। हमारे पास पोजीशन नहीं आ रही है सेंटर सेंटर, ओ सॉरी, बैकग्राउंड पोजीशन लिखना है हमने, बैकग्राउंड पोजीशन, सॉरी, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देते हैं,
देखें यहाँ पे हमारी इमेज सेंटर में आ गई, यहाँ से भी हमारी थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस रह गई, यहाँ से भी ब्लैंक स्पेस रह गई, हमने इमेज को सेंटर में कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप इमेज को क्या नाम है, आप एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर सेंटर इसलिए लिखा कि ये एक्स एक्सिस से भी सेंटर है, वाई एक्सिस से भी सेंटर है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एस एफ एस वाली इमेज, इसको मैं एक मिनट के लिए कट करता हूँ, और यहाँ पे जो हमारी पुरानी इमेज थी एस एफ एस डॉट पी एन जी जो हमने अप्लाई की थी, हम इसको अप्लाई इसको फैच करवाते हैं, इसको कॉल करवाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो एक्स एक्सिस से भी हमने सेंटर किया हुआ है इसको। सही है, जो एक बार हमने पोजिशन इसकी सेंटर लिखी है, एक्स एक्सिस वाली सेंटर की है, और फिर हमने वाई एक्सिस वाली सेंटर की, तो ये हमारी इमेज सेंटर में आ रही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये सेंटर की प्रॉपर्टी हटा दूँ तो ये लेफ्ट टॉप पे चले जाएगी। ठीक है, तो ये लेफ्ट टॉप पे चले गए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्योंकि यहाँ से हमारा पेज स्टार्ट होता है तो ये लेफ्ट टॉप पे आ गए, लेकिन हमें सेंटर में इमेज चाहिए तो हम इसको सेंटर सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारी इमेज सेंटर में आ गई। ठीक है, बैकग्राउंड हमारा आ गया, हम बैकग्राउंड पे वही वाली इमेज को कॉल करवा देते हैं। इसे कॉन्सेप्ट बताने के लिए किया था, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो बैकग्राउंड पे हमारी इमेज बेसिकली सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब इसके लेट्स हम चाह रहे हैं बैकग्राउंड कलर भी है, या वाइट वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी जगह हम ब्लू कलर दे देते हैं या ब्लैक कलर दे देते हैं, तो हम यहाँ पर इसको भी इमेज के साथ कलर भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर इमेज लोड ना हो तो हमारे पास कलर तो एटलीस्ट हो। सो हम यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स से ब्लैक सेव करते हैं। सही है, सो अब हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी आ गया, सेंटर में इमेज भी आ गई। ठीक है, ओके, आगे जाके हम देखेंगे कि इमेज को हम रिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बिगनर्स लेवल पे हम इतनी सीएसएस में डेप में नहीं जा रहे, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सही है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब हमने बैकग्राउंड पे इमेज लगा दी, उसको पोजीशन भी करना सीख लिया, रिपीट करनी है या नहीं रिपीट करनी ये भी सीख लिया हमने, और इमेज को कॉल किस तरह करते हैं ये भी सीख लिया। लेट्स से हम अब हम देखते हैं कि हम अपने वेब पेज के अंदर इमेज किस तरह ऐड कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा बैकग्राउंड वगैरह पे हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये खाली बॉडी के बैकग्राउंड पे नहीं, आप चाहें तो पैराग्राफ के, आप चाहें तो डिफ वगैरह सबके बैकग्राउंड पे इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ। सही है, बॉडी बैकग्राउंड को मैं कमेंट कर देता हूँ। सही है, क्योंकि अब हम जो इमेज और इसका कलर भी कमेंट कर देता हूँ, ताकि हमारे बॉडी बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैंक वाइट नज़र आए, और जो इमेज वगैरह हम इंसर्ट करेंगे वो हमारे को क्लियर दिखे। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो अब हमारा पेज बिल्कुल वाइट हो चुका है, यहाँ पे से कलर भी हट गया है और हमारा बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। सही है, रिमूव यानी कि कमेंट हमने कर दिया है। सो अब हम यहाँ पे आते हैं, और अब हम बेसिकली अपने बैकग्राउंड पे अपने बॉडी सॉरी बैकग्राउंड पे नहीं अपनी बॉडी पे इमेज ऐड करवा रहे हैं। सही है, बैकग्राउंड इमेज नहीं, एज अ इमेज एलिमेंट हम ऐड करवा रहे हैं। सही है, एज अ एलिमेंट हम इमेज को ऐड करवा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास टैग होता है इमेज का, IMG। सही है, शॉर्ट फॉर्म है, इमेज की शॉर्ट फॉर्म है IMG, ये टैग होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। सेकेंड, इसमें हम बेसिकली एट्रीब्यूट देंगे SCR का, मतलब सोर्स का। सही है, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि हमारी सोर्स क्या है, मतलब या तो इमेज का नाम क्या है, नेम क्या है, या इमेज का एड्रेस क्या है। सो हम यहाँ से हम अपने फोल्डर पे जाते हैं, और लेट्स से यहाँ से हम कोई अभी SFS ऑनलाइन से जहाँ पे हमारी वेब पेजेस हैं वहाँ पे हमने इमेजेस वगैरह जो रखी हैं हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे एक मेरे पास है SFS लोगो। सही है, सो मैं ये सहदास फाउंडेशन स्कूल का लोगो है, मैं इसको ही पिन करता हूँ। पहले इसका फॉर्मेट चेक करता हूँ कौन सा है, तो ये हमारे पास PNG फॉर्मेट में है। सही है, अब ये वाली इमेज को एज अ बैकग्राउंड नहीं, एज अ एलिमेंट हम अपने वेब पेज पे ऐड करवा रहे हैं। सही है, इंसर्ट करवा रहे हैं, तो SFS लोगो इसका नेम है, हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। सही है, मैं उसको ओके कर देता हूँ। ओके, कोड पे जाते हैं, एंड यहाँ पे इमेज की सोर्स में हम सिंपल SFS लोगो डॉट PNG लिखेंगे। सही है, सॉरी PNG लिखेंगे, एंड यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। सही है, ओके, इसमें इमेज हमारा सिंगल टैग होता है, इसमें ऑन या ऑफ टैग नहीं होता, सिंपल एक सिंगल टैग होता है इमेज का। सही है, सो हमने इसको सेव किया। अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे सहदास फाउंडेशन स्कूल का लोगो हमें शो हो रहा है। सही है, सो ये हमारा एक स्कूल का लोगो है। ठीक है, जो हमारे को बैकग्राउंड पे नहीं, एज अ इमेज एलिमेंट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। सही है, ओके, कुछ इमेज एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं आपको बता दूं। लेट्स से मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ अपने कोड पे,
यहाँ पे हम इसकी विड्थ एंड हाइट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। विड्थ एंड हाइट किस तरह चेंज करेंगे, लेट्स से मैं बोलता हूँ ये जो सैयदास फाउंडेशन स्कूल का लोगो है इसके थोड़े से साइज इंक्रीज करके देखते हैं कि हम इसको इंक्रीज किस तरह कर सकते हैं, सही है, या इसका डिक्रीज करके देखते हैं हम किस तरह इसका साइज, बेसिकली साइज किस तरह चेंज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट दे सकते हैं विड्थ, मैं इसको कह देता हूँ लेट्स से 500 पिक्सल्स, एंड हाइट भी हम इसकी दे देते हैं 500 पिक्सल्स। सही है, हम इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप ये सेव कर लिया, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये 500x500 पिक्सल्स की हमारी इमेज शो हो रही है। सही है, हम चाहें तो इसकी विड्थ को एंड हाइट को परसेंटेज में भी दे सकते हैं, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ जो इसकी एक्चुअल हमारे पास इसकी विड्थ है उसकी 50% इसकी विड्थ शो करो और जो एक्चुअल इसकी हाइट है उसकी 50% इसकी हाइट शो करो, देखते हैं क्या होता है। सो अब ये 50% इसने डिक्रीज करके हमारे को इमेज की विड्थ एंड हाइट शो कर दी। अगर मैं 100% इसकी हाइट करवा देता हूँ और विथ 50% है तो हमारी इमेज कुछ इस तरह की हमें शो होगी, और अगर मैं इसकी 100% विथ भी 100% शो करवा दूं एंड हाइट भी 100% तो इमेज हमारी कुछ इस तरह शो होगी। सही है, सो इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या आपकी इमेज के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग किसी भी इमेज की कर सकते हैं। हम इसको बाय डिफॉल्ट जो होती है वही रखते हैं, सेव करते हैं इसको। सही है, ओके ये हमारी ओरिजिनल है, वो जो विड एंड हाइट है वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो ब्राउजर स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग है। सही है, मैं दोबारा इसमें एक चीज़ आपको ऐड करके बता दूं, सॉरी यहाँ पे मैंने ये बोला कि 50% हमारी जो विड है, सही है, और हाइट 100% है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरा भी इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 100% हाइट है, यानी कि एक्चुअल इमेज की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी आ रही है और विड 50% है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ अपनी स्क्रीन को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी इमेज की जो हाइट है वो 100% ब्राउजर की स्क्रीन के अकॉर्डिंग आ रही है। सही है, और विथ हमेशा 50% हमारे ब्राउजर के विथ के अकॉर्डिंग आ रही है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग। सही है, तो ये इमेज की बात नहीं होती यहाँ पे, हमारे ब्राउजर की स्क्रीन के बात होती है। सही है, जिसको हम हीरो एरिया भी कहते हैं। सो एनीवे यहाँ पे हम इसको एक्चुअल साइज रख देते हैं, जो हमारा बाय डिफॉल्ट इमेज का साइज है उस साइज वो हमारा ये है। सही है, विद परसेंटेज में जो हमने चेंज की थी वो ब्राउजर की स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमने की है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है ऑल्टर का, ALT मतलब ऑल्टरनेट। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ द इमेज, या मैं लिख देता हूँ लेट्स से सैयदास फाउंडेशन SFSC लिख देता हूँ। सही है, आपने अक्सर देखा होगा, अभी अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा सो हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, मगर अक्सर ये होता है कि आपकी इमेज मिसप्लेस हो जाती है, करप्ट हो जाती है, डाउनलोड नहीं हो पाती, तो क्या होता है कि पता नहीं चलेगा। अगर मैं ये ऑल्टर का एट्रीब्यूट यहाँ से वापस इसको कट करता हूँ, अभी रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, सही है, तो कोई फर्क पता नहीं चल रहा हमें। सही है, और मैं अपने ब्राउजर में उसमें जाता हूँ, फोल्डर में जाता हूँ और SFS लोगो का नेम को रीनेम कर देता हूँ, लोगो 1 कर देता हूँ। सही है, नेम मैंने SFS लोगो 1 कर दिया, मतलब वहाँ पे मेरे अगर कोर्ट में देखूँ मैं तो यहाँ पे SFS लोगो कॉल हो रहा है और वहाँ पे इमेज का नाम मैंने लोगो 1 कर दिया, रीनेम कर दिया। अब ब्राउजर पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे वेब पेज पे, हम देखते हैं। इमेज हमारी गायब हो गई, सही है, अब हमें पता ही भी नहीं है यहाँ पे इमेज शो होगी या नहीं होगी या कौन सी होगी, और यहाँ पे एक हमारे पास इमेज का एक छोटा सा आइकन आ गया। सही है, कि करप्ट हो गई इमेज या हमारी इमेज कोई थी यहाँ पे लेकिन अब शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। किसी वजह से ब्राउजर पे इमेज आपके वेबसाइट की इमेज डाउनलोड नहीं हो पा रही तो आपको पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि वहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कुछ ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए ना कि ये वाली इमेज थी जो डाउनलोड नहीं हुई है, ये वाली इमेज आपकी ओपन नहीं हुई, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो हमारा होता है ALT। सही है, ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव इसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। ALT का एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं जिसके अंदर हम वो टेक्स्ट लिखते हैं कि किसी भी वजह से अगर हमारी इमेज डाउनलोड या शो ना हो तो वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ आ जाए। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे SFS लिखा हुआ आ गया। सही है, यहाँ पे आप कुछ भी नोटिस लिख सकते हैं या कुछ भी नोट लिख सकते हैं कि भैया इमेज शो नहीं हो रही या आपकी फला चीज़ की प्रोफाइल इमेज थी। सही है,
या स्कूल इमेज थी, सही है, स्कूल इमेज डज नॉट, इस तरह का आप नोटिस वगैरह लिख सकते हैं, सही है। सो हमने यहाँ पे SFS किया, हम इसको वापस रीनेम करते हैं अपने फाइल में जाके, जो हमने SFS लोगो वन किया था हम इसको वापस लोगो कर देते हैं, सही है, और अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारी इमेज शो हो जाएगी, सही है। तो इसी तरह बाजू का आपकी क्या नाम है, सर्वर पे इमेज मिस हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है या करप्ट हो जाती है, तो वो इमेज शो नहीं हो पा रही होती है, डाउनलोड नहीं हो पाती बैंडविड्थ की वजह से, किसी के अगर इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है तो डाउनलोड नहीं हो पाती, तो वहाँ पर एटलीस्ट कोई नोटिस या कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, सही है ना। इसी तरह हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे इस वक्त जो इमेज कॉल की है वो बेसिकली अपने फाइल में से, अपने फोल्डर में से, हमने अपने सर्वर से ही, जिस जिधर हमारे वेबसाइट होगी उसी सर्वर में से हमने इमेज को कॉल किया। इसी तरह हम इमेज को किसी और वेबसाइट से भी कॉल कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www.sfs.edu.pk, सही है, ओके हो चुकी है ये, ओके SFS की हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, सही, ये हमारी सहीदास फाउंडेशन स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से अगर आप कोई इमेज लेना चाह रहे हैं और यहाँ से आप कोई भी इमेज अपने सर्वर पर शो कराना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं यहाँ से कोई इमेज, ये वाली इमेज अपने सर्वर पर शो करवाना चाह रहा हूँ, सही है। सो मैंने इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस लेना है, सही है, इमेज को कॉपी नहीं करना है, इमेज के एड्रेस को कॉपी करना है, ठीक है। इमेज के एड्रेस को मैंने राइट क्लिक किया, इमेज एड्रेस को कॉपी किया, ठीक है, अपने कोड पे ओपन करूँगा और SFS लोगो डॉट PNG की जगह मैं यहाँ पे ये जो भी हमारा इमेज का एड्रेस था उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया sfs.edu.pk/wcontent/upload2018-3mo, ये पूरा हमारा यहाँ तक इमेज का जो हमारा पाथ है, जो एड्रेस है वो आ गया, उसके बाद इमेज का नेम आ गया हमारे पास, सही है, और आगे उसका एक्सटेंशन आ गया। हम इसको सेव करते हैं और अपने वेबसाइट का पेज अब हम ओपन करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये वाली इमेज यहाँ पे शो हो रही है, ये वाली पिक्चर हमारे पास शो हो रही है। हालांकि ये हमारे पास हमारे फाइल फोल्डर में ये इमेज मौजूद नहीं है, या हमारे सर्वर पे ये सर्वर में ये इमेज मौजूद नहीं है, मगर फिर भी ये यहाँ पे शो हो रही है बिकॉज के हमने यहाँ पे इमेज का एड्रेस ऐड किया हुआ है, सही है, एक्सटर्नली इमेज का एड्रेस यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसी तरह आपको जब तक ये एड्रेस काम तब तक करेगा जब तक ये इस सर्वर पर, यानी कि ये सहीदास फाउंडेशन स्कूल के सर्वर पर मौजूद है ये इमेज, तब तक ये हमारे वेबसाइट पे भी या हमारे वेब पेज पे भी ये इमेज शो होगी, सही है। और जब अगर किसी ने यहाँ से ये रिमूव कर दी तो हमारे पास भी ये इमेज नहीं आएगी और यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट जो होगा हमारा वो लिखा हुआ आएगा, सही है। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप किसी और सर्वर से या किसी और क्लाउड वगैरह से आप अपनी इमेज को अपनी वेबसाइट्स पे शो करवा सकते हैं, सही है, ओके। हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। सो बॉर्डर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास, आप चाहें तो यहाँ पे क्लास बना लें या तो इमेज में ही, मैं यहाँ पे इमेज की टैग में लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ, एक BR बॉर्डर्स के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ, सही है, बॉर्डर। एंड क्लास के लिए हमें यहाँ डॉट लगाना ज़रूरी है, सही है, वरना यह क्लास नहीं बनेगी। बॉर्डर्स के नाम से हमने क्लास बनाई एंड ये मैं कॉल करवा लेता हूँ अपनी इमेज में, कॉपी के इसको एंड यहाँ पे हम क्लास का एट्रीब्यूट देते हैं एंड यहाँ पे हम अपने बॉर्डर्स की क्लास को कॉल करवा लेते हैं और यहाँ डॉट आपने नहीं लगाना, ठीक है, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं बॉर्डर, सही है। बॉर्डर देना हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था काफ़ी डिटेल में, सही है। आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में नहीं दी थी, ठीक है। सो हम यहाँ पे इमेज बॉर्डर दे देते हैं, सिंपल सा बॉर्डर, सही है, सॉलिड 2px एंड कलर दे देते हैं हम इसका, लेट्स से रेड दे देते हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सो हमने कोई मिस्टेक की है, ओके यहाँ पे हमें कोलन लगाना है, फिर रिफ्रेश करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर बेसिकली आ चुका है, ठीक है। इस तरह आप अपनी इमेज में बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हैं और बॉर्डर्स की लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी बॉर्डर्स हमने ऐड किए थे या जितने भी हमने स्टाइल्स वगैरह ऐड किए थे वो सारे के सारे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सही है। इसी तरह हम चाहें तो अब ये इमेज हमारी एक रेक्टेंगुलर शेप में है बाय डिफॉल्ट, हम चाहें तो इसको इसका रेडियस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं बॉर्डर
ये हमने शायद कल प्रॉपर्टी नहीं की थी, इमेज से रिलेटेड है, सही है। बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं इसका 50px करके देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो अब हमारे ये जो एजिस हैं, जो कॉर्नर से इसके, ये खत्म हो चुके हैं, सही है। इसी तरह आप चाहें तो इसको पूरा, अगर आपने सर्कल शेप में देना है या ओवल शेप में देना है, तो आप इसको 100% कर सकते हैं। सो अब हमारे पास इमेज जो होगी वो एक लाइक अ सर्कल शो होगी, क्योंकि इमेज हमारी रेक्टेंगुलर थी तो ये इस तरह शो हो रही है। अगर मैं इमेज की हाइट और ये विथ अगर फिक्स कर दूँ, लेट्स से मैं इसकी विथ दे देता हूँ WID विथ एट्रीब्यूट लगा देते हैं यहाँ पे, एंड विथ दे देते हैं हम 50px या 100px, एंड हाइट भी हम इसकी ऐड कर देते हैं HE, इसकी हाइट हम इसकी ऐड कर देते हैं 100px, सही है। सेव करते हैं, इक्वल टू डालना है यहाँ पे, हमने सेव करते हैं हम इसको एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमारे पास ओवरऑल एक सर्कल की तरह पूरी इमेज हमारी शो हो रही है, सही है, क्योंकि हमने विड्थ एंड हाइट को हमने इसका सेम कर दिया, एक स्क्वायर बना दिया, सही है। और हमने अपनी इमेज को फिर इसका बॉर्डर रेडियस को 100% कर दिया, तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर एक इमेज थी वो हमने सर्कल में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। इसी तरह आप इसमें बॉर्डर्स वगैरह की और प्रॉपर्टीज वगैरह दे सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे इमेज की पोजीशन सेंटर की थी, मैं यही वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये सेंटर में हमारी इमेज शो होनी जाएगी, सही है। अच्छा, ये सेंटर में इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि ये किसी एलिमेंट के अंदर नहीं है, सही है ना। अगर मैं इसको किसी डिफ या किसी पैराग्राफ के टैग में सेंड वो करूँगा, एम्बेडेड करूँगा या उसके एलिमेंट के अंदर इसको रखूँगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन चेंज करेगी। अभी खाली ये इमेज का ही क्योंकि एलिमेंट है, तो इस वक्त इसकी पोजिशन हम सेट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो अब हमने यहाँ पे ये हमने इमेज को देखा, उसका बॉर्डर्स वगैरह ऐड करना सीखा, बॉर्डर का स्टाइल वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, रेडियस वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 100 की जगह 500 कर देता हूँ ताकि थोड़ा बॉर्डर्स वगैरह हमें शो हो, 500 कर देते हैं, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, सही। ओके जी, 500 पे इस तरह आ रहा है थोड़ा सा इसको। ओके, अब हम बॉर्डर्स पे बात करते हैं थोड़ी सी। तो बॉर्डर्स पे अगर आप देखें तो बॉर्डर्स की क्लास में हम यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह के कलर डिज़ाइन और पिक्सल्स हम पहले बढ़ा देते हैं, लेट्स से 10px का बॉर्डर कर देते हैं एंड रिफ्रेश करके दिखाएं, तो 10px का हमारा बॉर्डर आ चुका है, सही है। अब बॉर्डर्स के और भी हमारे पास स्टाइल हैं, तो हम वो भी अप्लाई करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, लेट्स से रूफ कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास ये डिज़ाइन थोड़ा सा बॉर्डर्स का चेंज हो चुका है, 3D लुक आ चुका है, सही है। अगर आप कलर इसका ब्लैक कर दें तो और अच्छा लगे, सही। सो ब्लैक में आपको, क्योंकि वो 3D हमें थोड़ा सा ग्रेडियंट में ज़रूर हमें पता चलेगा, लेकिन हमें वो लुक नहीं आएगी, ठीक है। जो हमारे पास वो ग्रेडियंट टाइप का बन रहा था थोड़ा सा, ये लुक हमारे पास 3D ब्लैक कलर में नहीं आ रही, शेडो वाली लुक, सही है ना। ओके, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे स्टाइल, आप डैश कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली बॉर्डर्स वगैरह के स्टाइल आप अपनी मर्जी से जो भी चाहें दे सकते हैं, सही है। सो हम यहाँ पे एक और HR में हम एक बॉर्डर देते हैं, जो हम एक सिंपल यहाँ पे लाइन बनाते थे HR की, हम इसके अंदर भी बेसिकली चेंज कर सकते हैं, जो हमारा रूलर होता था। हम इसमें कुछ बॉर्डर्स के अप्लाई करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी यहाँ पे लाइन बनी भी आ गई, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं कि आप अपनी लाइंस वगैरह को किस तरह चेंज कर सकते हैं। ये सिंपल एक ब्लैक सी लाइन के अलावा भी आप इसमें प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें इनलाइन CSS ऐड कर देता हूँ स्टाइल के एट्रीब्यूट से, सही है। सो इसमें हम बॉर्डर्स देखे देखते हैं अपना, लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर की प्रॉपर्टी मैंने कॉल की, एंड वैल्यू हम इसकी दे देते हैं 4px, मतलब इसका साइज है, पिक्सल्स का साइज है, बॉर्डर का साइज जो है बेसिकली हमने 4px दे दिया, सही है। एंड ग्रूव कर देते हैं इसको भी, येलो भी ग्रूव कर दिया, सही है। एंड इसका हम कलर वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट से मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ, ऊपर रेड है तो नीचे येलो दे देते हैं, ठीक है। हम सेव करते हैं, तो अभी हमारी जो सिंपल सी ब्लैक सी लाइन है ये भी
चेंज हो जाएगी, सही है। सो हम यहाँ पे भी अपना एचआर में भी अपना बॉर्डर दे सकते हैं, इसी तरह हम हर एलिमेंट में अपने बॉर्डर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।